Hi friends, thank you very much for subscribing our channel. हम एक नए टॉपिक के ऊपर कुछ नए वीडियोस के ऊपर लेकर आप सबके सामने फिर से हाजिर हो गए हैं, लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और इसके अलावा आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स और अपने रिलेटिव्स जो लोग हैं, आप अपने सब जान पहचान के सभी लोगों को बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा करके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद पास में दिया गया बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ, दैट इज व्हाट इज लव एंड व्हाट आर साइंस दैट शोकेस लस्ट। ये जरूरी नहीं है कि किसी के लिए अगर आपको अट्रैक्टेड फील हो तो आप उसी को प्यार करते हुए, जरूरी नहीं है। कभी कभी ऑपोजिट जेंडर की तरफ हमारा एक तो ये अट्रैक्टनेस, ये अट्रैक्टिवनेस जो होता है, इट्स अ साइंस ऑफ लस्ट। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा कि विच वन इज लस्ट एंड विच वन इज लव? दोनों में अंतर है। लस्ट इज फॉर आवर एंटरटेनमेंट, फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एक टाइम स्पेंड करने के लिए। बट लव इट्स अ रिलेशनशिप, एक रिश्ता है जो बहुत दिन जाता है या बहुत दूर तक उसकी मंजिल होती है। उसी तरह से आज हम आपको कुछ ऐसे बेसिक कुछ स्टेप्स हैं जो अगर आप अपने आप में नोटिस करते हैं, फील करते हैं जब आप अपने डेट्स के साथ मिलते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब मर्दों को ही हो, ऐसा नहीं है, औरत मर्द सभी के लिए एक बराबर है। सबसे पहला बात है, आप जब अपने पसंद के इंसान से मिलने जाते हो तो अपना बेस्ट ड्रेस करके जाना। मतलब हमेशा होता है ना, हम लोग जब डेटिंग पे जाते हैं, ज़्यादातर आमतौर से क्या होता है, आजकल का जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे बेस्ट कपड़े में जाते हैं, सबसे बेस्ट मेकअप करते हैं, लड़कियाँ अच्छा सा हेयर बनाती है और स्टाइल मारते हैं, लड़का लोग भी अपने टिप टॉप फिजिकल स्टाइल में आते हैं। तो जब आप पहली बार मिले ये अलग बात है, लेकिन अगर आप बारी बारी से डेट कर रहे हैं, लेकिन हर बारी आप अपना बेस्ट शो करना चाहते हैं उसको कि देखो मैं कितनी हैंडसम हूँ या मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, आई एम सो मच वेल मेंटेन्ड, तो इट मीन्स के आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, नॉट फॉर योर लव बट फॉर योर लस्ट। दूसरा पॉइंट, सपोज आप उससे लंबी बातें कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं, व्हाटएवर यू डू, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप अपने गम, अपने दुख, अपनी परेशानियों को उस पर्टिकुलर इंसान से शेयर करने में झिझकते हैं या डरते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, जब हम किसी के साथ रिश्ता बनाने का सोचें तो हम लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं, उसके साथ हम लोग अपना सब कुछ शेयर करते हैं। पर जब बात रिश्ते की नहीं, जस्ट मस्ती की, फन की, तब क्या ज़रूरी भाई उसके साथ अपना दुख सुख सब बांटना, क्या आता जाता है, एक दो दिन का मामला है फिर। और तीसरा बात है कि आप जब सपोज उसके साथ आप जब फिजिकली जब आप इन्वॉल्व होते हो, कोई अगर शायद वो स्मूचिंग हो सकता है या मे बी किसिंग, मे बी इट प्रैक्टिकल और फिजिकल रिलेशनशिप इंटरकोर्स भी हो सकता है, दैट मे हैपन, तो उस दौरान आप में कहीं ना कहीं एक टम्बलिंग फीलिंग आप में आता है, या तो कितनी जल्दी मैं उस मतलब अपना काम निपटा लूँ, कितनी जल्दी निकलूँ, भाग जाऊँ, मतलब बड़ा सेटिस्फाइड हो जाए फिर मैं छोड़ दूँ, या नहीं तो करते करते मैं एक झिझकताना कि उसको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, मतलब ऐसा एक फीलिंग आता है। सो दीज थिंग्स क्या है, जब आप किसी को लेकर सीरियसली सोचते हैं तो इसका मतलब आप हमेशा ये देखते हैं कि उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप जब उसको सजेस्ट करते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो उसको कैसा लग रहा है, वो सेटिस्फाइड हो रही है, हो रहा है कि नहीं। सो दीज थिंग्स आर द थिंग जो आपको नज़र में रखना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी इंसान को अगर हम उसके फिजिक के ऊपर और उसके अपीयरेंसेस के ऊपर हम लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं एक हिडन प्रिंस या एक ड्रीम प्रिंसेस तो रहती है, ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय तो होता ही है।
जब आप ऐसा सोच के अगर आप आपके सामने के इंसान के साथ इंटरेक्ट करते हो या आप उसके साथ इंगेज हो जाते हो तो क्या होता है ना, कभी कभी रिलेशनशिप्स में स्पेशली जब फिजिकल इंटरकोर्सेस के दौरान आप लोग में वाइल्डनेस ज़्यादा आता है, रोमांटिसिज्म से ज़्यादा वाइल्डनेस आते होता है. सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग एंड ये कम्प्लीटली दर्शाता है कि यू आर attracted towards a particular man or woman only for your lust but not for your love. I hope आपको मेरा दिया गया ये आज का जो मेरा तजुर्बा जो मैंने आज आप सबसे शेयर किया, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं बेसिकली मेरे आस पास में मेरे फ्रेंड्स या मेरे जान पहचानों के लोगों की ज़िंदगी में जो तजुर्बे हुए हैं कि मैं जिन दौरान से गुजरी हूँ तो उनको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो. आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज दिए आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप अब खुद भी सोचने बैठ गए होंगे कि मैं जिससे डेट कर रहा हूँ या डेट कर रही हूँ क्या उससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, या उससे मैं इसलिए मिल रही हूँ या मिल रहा हूँ कि ताकि मेरा कोई सेटिस्फैक्शन वो क्लियर कर दे. सो दैट्स व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव. उम्मीद है अगले हफ्ते मैं किसी और टॉपिक को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगी, लेकिन उससे पहले जाते जाते आपको एक तो रिक्वेस्ट जरूर करनी है, दैट इज़ प्लीज़ टू सब्सक्राइब आवर चैनल मोर एंड मोर, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में दबाना मत भूलना, एंड श्योरली अपने फीडबैक्स और कमेंट्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देना, या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसमें भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो एज पर योर विश एज पर योर चॉइस, बिकॉज आपके फीडबैक और कमेंट्स से हमें पता चलता है दैट व्हाट शुड आई ब्रिंग मोर एंड मोर एंड व्हाट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ ताकि आपको ये प्रोग्राम और अच्छा और दिलचस्प लगे. सो बी हैप्पी, स्टे इन लव, स्टे इन टच, बाय.